प्रचलित पुरानी कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हालांकि ये सच है नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते कि अदरक का स्वाद बंदर जानता नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे पशु जो अदरक को नहीं खाते, लेकिन आज अदरक का एक विशेष आपको मैं गुण बताऊंगा, अदरक और नींबू का, कि जो हमारे पेट के सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, हाजमे के लिए, वॉमिटिंग के लिए, बार बार वॉमिटिंग होती है, यहाँ तक कि हिल सिकनेस, ट्रेवल सिकनेस होती है, उसके लिए भी ये काफी कारगर साबित हुआ है। तो हम आज आपको बताएंगे कि अदरक और नींबू के प्रयोग से कैसे हम अपने आप को उल्टियों से और इनडाइजेशन से और डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर से कैसे बचा सकते हैं और अपने हाजमे को ठीक करके भूख को बढ़ा सकते हैं। साथियों, अदरक को लेते हैं, वॉश करते हैं। सबसे पहले वॉश करने के बाद इसको छील लेते हैं, और छील के मैं सिर्फ एक डेमो बता रहा हूं आपको, छील के इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको वेस्ट नहीं करते, इसको चाय वगैरह में या काढ़े वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। और फिर अदरक को हम क्या करते हैं, कस लेते हैं छीलने के बाद। कसने के बाद हमारे पास इस तरह से ये आइटम तैयार हो जाता है। और ये कसने के बाद जो हमारे पास मटेरियल आया, इसके अंदर हमने क्या करा, काला नमक मिलाया इसके अंदर, और काला नमक स्वाद अनुसार मिला लेते हैं इसके अंदर, और नींबू को लेके इसको अंदर निचोड़ते रहते हैं। तो ये होता है कि हमारा जो नींबू है, अदरक जो है वो डिप होना चाहिए इससे, नींबू के रस से। ये अपने आप में स्वादिष्ट भी बहुत है। इसके अंदर हमने केवल काला नमक मिलाया है, काला नमक, अदरक और नींबू। इसको 3 दिन तक 2 दिन तक इसको रख सकते हैं, ये कांच के बर्तन में इसको रखेंगे। और इसको क्या करते हैं, इसको जब भी खाना होता है, भूख लगी, खाने का समय होता है, तो उस समय पे थोड़ा सा सिरप या तो इसका या थोड़ा सा ये लच्छे के साथ इसको खाने के साथ, खाने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, खाने के बीच में प्रयोग कर सकते हैं, और खाने के बाद में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हाजमेदार बढ़िया फर्स्ट क्लास आइटम बना है, और ये पेट के लिए, डिसऑर्डर के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।